नमस्कार। हमारे बीच बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान अब इस वक्त नहीं रहे। तो जी हां दोस्तों, काफी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो न्यूरोक्राइन ट्यूमर से ग्रसित थे। तो जी हां दोस्तों, यहां पर उनके निधन के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट आया है, तो उसी के बारे में अभी हम स्टूडियो में जानकारी देने वाले। तो जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जो कि लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे, आज जिंदगी की जंग से हार गए। मंगलवार को खबर सामने आई थी कि अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इरफान की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। अब ये खबर सामने आई है कि उन्होंने जिंदगी की जंग हार गए है और इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इरफान खान की मौत की जानकारी देते हुए परिवार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जो कि काफी भावुक कर देने वाला है। जारी बयान में कहा गया है, मुझे भरोसा है, मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इरफान खान अक्सर इन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। साल 2018 में कैंसर से लड़ते समय इरफान ने अपने नोट में यह बात कही थी। इरफान खान बेहद कम शब्दों में अपनी बात कहा करते थे और बात करने के लिए आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इरफान खान की मौत की खबर सबसे पहले सुजीत सरकार ने दी, जो कि एक फिल्म मेकर है। उन्होंने ट्वीट कर की उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो जी हां दोस्तों, यहां पर बॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता थे इरफान खान, तो उनका निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर से जो है वो ग्रसित थे। तो जी हां, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में अपनी आखिरी सांस जो है वो ली है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और वह आईसीयू में थे। लेकिन अब निर्देशक और फिल्म मेकर सुजीत सरकार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। बता दें कि मंगलवार को अस्पताल में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि इरफान खान की हालत हाथों में दर्द और सूजन के कारण थोड़ी बिगड़ गई थी। इसके साथ ही अभिनेता को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। इसके साथ ये भी बताया जा रहा था कि अभिनेता की तबीयत में पहले से सुधार है। इस बीच अब सुजीत सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि बुधवार को अभिनेता का निधन हो गया है। वही फिल्म अंग्रेजी मीडियम की टीम ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। सुजीत सरकार ने ट्वीट में लिखा हुआ है कि मेरे दोस्त इरफान खान, आपने लड़े और खूब लड़े, मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे और आपके परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति भी दे। सुजीत ने अपने ट्वीट में इरफान खान की पत्नी सुतापा और बाबिल का भी जिक्र किया है। सुजीत ने अपने ट्वीट में आखिर में इरफान खान को सलाम भी कहा है। तो जी हां दोस्तों, बॉलीवुड में इस वक्त जो है वो शोकाकुल माहौल है और बॉलीवुड के जो अभिनेता है इरफान खान, तो उनका जो है वो निधन हो गया है। इसके ऊपर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने भी जो है वो अपना शोक व्यक्त किया है। जी हां दोस्तों, यहां पर काफी बड़ा अपडेट बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान से लेकर निकल कर आया था, जो कि उनके निधन के संदर्भ में है।